तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रोग्राम है जो अल्फ़ाबेट्स के जितना भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है वो डिटेक्ट करेगा, मतलब जज करेगा और आउटपुट देगा। तो सबसे पहले हम लोग का एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इन यूज़र इनपुट रहेगा सी एच चूज एंड इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे और कंडीशन में ही हम लोग सी एच इक्वल्स टू जी ए और ई आई ओ यू ये चारों कंडीशन लगा देंगे। और यहाँ और ऑपरेटर क्या करता है, इफ़ अगर लेफ्ट साइड वाला ट्रू हुआ तब भी ये ट्रू दिखाएगा और लेफ्ट साइड वाला फॉल्स और राइट साइड वाला ट्रू हुआ तब भी ये राइट ट्रू ही दिखाएगा। तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए अंदर का पार्ट और वाला तो वो प्रोग्राम इफ कंडीशन के अंदर में आ जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और प्रिंट कर देगी जो भी कंडीशन के अंदर में उसके अंदर वाली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगेगी, ठीक है। सो हम लोग का प्रोग्राम हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे। प्रिंट लगाने के बाद अभी हम लोग के अंदर में लिख देंगे जब भी ये कंडीशन ट्रू हुआ तो द कैरेक्टर इज भोवेल, ठीक। तो अभी हम लोग पहले रिप्लेस कर दें सभी को एक को सभी भोवेल से, इससे हम लोग का प्रोग्राम फास्ट हो गया था। जस्ट मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया था सभी को एंड सी ए तो ऑलरेडी है तो ए को नहीं करना है। अब हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद प्रिंट लगा देंगे। प्रिंट में प्रिंट लिखेंगे कि कैरेक्टर जो भी है कंडीशन ट्रू होता है तो आप भाई इसको रन कर देना। अब आगे का अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आगे का एल्स पार्ट देख लेगा, तो इसको रन कर देना कंडीशन ट्रू होने के बाद, तो कैरेक्टर इज भोवेल, ठीक है। अभी एल्स पार्ट में आएंगे हम लोग अब, और एल्स पार्ट में क्या है, तो एल्स पार्ट में हम लोग देखेंगे जो भी अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो वो भोवेल नहीं है तो क्या है, पाँच छोड़ कर अगर देखा जाए कुछ भी अदर अल्फ़ाबेट हम लोग रहते हैं प्रोग्राम में तो वो कॉन्सनेंट ही होगा, राइट। तो कॉन्सनेंट चेक करेंगे। तो सी गाइस अभी हम लोग प्रॉपर लिख चुके हैं एंड कॉन्सनेंट लिख दिए हैं। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करके आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट आ रहा है, परफेक्टली आ रहा है। ओह थोड़ा मिसटाइप हो गया, मैंने पी वाई ए कर दिया है जो इसका एक्सटेंशन है पी डॉट वाई ए पी पाइथन डॉट ई वाई जो भी पाइथन फाइल है डॉट पी वाई कर, फिर से एक बार इसको रन करते हैं। तो गाइस ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह चैनल पे बने रहें और भी सारा वीडियोस आने वाले हैं और मिलके हम लोग करेंगे पूरा एक अच्छा सा मटेरियल रेडी करेंगे प्लेसमेंट पेपर के लिए। एंड गाइस चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को एंड मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए।